तो ये बात थी 2 साल पहले की। 2 साल पहले की ये वीडियो है जो कि मैंने अभी तक संभाल के रखे हुए थे। इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था, अगर नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम वहाँ पे गए थे, जाने के बाद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, 8 मिनट का हो गया था। तो अभी मैंने सोचा कि अगर वीडियो को मैं छोटा छोटा करके अपलोड करूँगा ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आगे की कहानी यहाँ स्टार्ट होती है 84 कुटिया की, कि अंदर हमको और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा फन करते हैं हम लोग, बेर का पेड़, फिर हमको एक ऐसा पौधा मिलता है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। चलो बाकी की कहानी अब देखते हैं, अब बकचोदी नहीं करेंगे यहाँ पे भी। तो प्रसन्नजीत हमको ज़रा ऊपर चलना है, ये अच्छा लग रहा है ये वाला जगह ना, देख रहे हो भाई, ब्यूटीफुल। मतलब अगर आप फ्रेंडों के साथ आओगे तो पूरा लुत्फ़ उठा सकते हो इसको, पूरा लुत्फ़ उठा सकते हो इस जगह को घूमने के लिए भाई। सिंपल सी बात है, देख रहे हो भाई सब बवाल लग रहा है ना। मतलब घूमने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है अगर आप ऋषिकेश आए हो, और मेरे ख्याल से 84 कुटिया अगर आप नहीं आए हो तो मतलब आप कहीं पर भी नहीं आए हो। आप देख रहे हो ना भाई साहब, भाई साहब बवाल। भैंचोद पहले इधर देखेंगे हम, इधर क्या है। आ जाओ भैंचोद तो आ जाओ। अरे ये तो पिरामिड रास्ते पे आ। अच्छा चलो इधर नहीं देखो, इधर इधर देखो। वो बोले कि टॉयलेट करने के लिए ऊपर जाओ, पर भाई इस जगह पे भी आप मस्त नज़ारा देखते हो। ये कैमरे कैमरा भाई सिर्फ सामने वाली चीज़ें दिखाएगा, उधर की चीज़ें नहीं दिखाएगा। तो छोड़ो यार, यागा करता हूँ कट। वो आ रहा है हमारा भाई रेंगते हुए। मज़े की बात ये है कि ये जो जगह है आप देख रहे हो, जो हमने पीछे दिखाया था वो ट्रेलर है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अभी तक नहीं देखा है। बाकी है पेंटिंग खतरनाक बवाल, ये मैंने कुछ भी नहीं देखा था। कुछ लोग आके यहाँ पे बेर खा के चले गए। अबे बेर का पेड़, अरे बेर खा के नहीं गए, ये तो साला बेर का पेड़ है। हम भी खाएंगे अब, हम भी। ये बेर का पेड़ ऊपर देख रहा, मुझे लगा बेर पड़े होते इतने सारे हैं। ये देख, मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ, ये खा सकते हैं हम। नहीं ये वाला थोड़ा सा पुराना है, एक मिनट में दिखा देता हूँ। ये है, अरे इधर इधर है मस्त वाली बेर ना, वहाँ से तोड़ सकते हैं। चलो जरा साहब बेड़ भी तोड़ ले पेड़ में चढ़ के, ठीक। चलो ये बात तो अलग रहा, सिंपल सी बात है, ये बेड़ तोड़ रहा है। चलो मैं भी जरा ऊपर चढ़ता हूँ और बेड़ तोड़ता हूँ, देखता हूँ। वाह, इसके ऊपर भी चढ़ सकते शायद हम, हैं प्रसन्नजीत? नहीं मैं नहीं चढ़ सकता, रख ना यार, कहा पकड़ पकड़ के। तो भाई लोगों आप देख सकते हैं भाई दुनिया का एक ऐसा पेड़ है जहाँ पे बेर के पेड़ में कांटे नहीं है। घसीट उसको नीचे। मैं कैसा लग रहा, खतरनाक? देखो तो ये खा रहा है ये बंदा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जंगली इसको खा सकते हैं, ठीक है। ये खा के भी दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि हम सी काट रहे हैं आपके, सी काटने वाले कोई भी बात नहीं है। मैं आप लोगों को घुमा रहा हूँ शॉर्टकट में, ऐसे घूमने का बहुत ज़्यादा जगह है। अभी तो हम लोग सिर्फ आए हैं यहाँ पे, ख़त्म नहीं हुआ ये, बस शुरुआत है। अभी ये प्रसन्नजीत बोल रहा है तो अगर आप इसको सही से घूमोगे तो 3-4 घंटे तो आपको लग ही जाएंगे अगर तसल्ली से घूमोगे तो एकदम, क्योंकि यहाँ पे कुटिया इतनी सारी है कि आप घूम घूम के थक जाओगे पर कुटिया ख़त्म नहीं होगी। मेन चीज़ ना देखो, अगर आप आपको वीडियो बनाने की शौक है, ठीक है, तो ये जगह बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पे घर है, एक्टिंग बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, और कोई नॉइस नहीं है। मजे की बात ये है, जैसे हल्ला चिल्ला होता है ना क्राउड, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत ही काम है, डिसेंट है, तो आप जब भी आया यहाँ पे विजिट जरूर करना। पर देखो अगर आप कैंटीन आ गया है सामने। तो भाई लोग अभी के लिए इतना ही, बाकी का वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट डालेंगे इसका बहुत ही जल्द। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना, और मेरे चैनल में नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। बाकी हम बहुत ज़्यादा मौज करने वाले आगे, तो बने रहना और देखते रहना। बाय, लव यू ऑल।